Hi everyone, Assalamualaikum, Namaskar, What's up, Welcome back to my channel. My name is Imran Khan, hope you are doing great. So guys, इस बार जो लुक लेके आई हूँ बहुत ही सिंपल सा टीवी सा लुक है. सिंपल एंड क्लियर स्किन लुक कैसे करें, आपने टाइटल देख के समझ गया होगा कि मैं कौन सा लुक की बात कर रही हूँ. जी हाँ, बहुत ही सिंपल एंड क्लियर लुक दिखे. जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी स्किन कितनी क्लियर एंड सिंपल सी लग रही है. मैंने कोई भी आई शेडो या कुछ भी नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज अगर मैंने बोल दिया तो आप मेरा पूरा लुक देखेंगे नहीं. सो अगर आपको ये वाला पूरा लुक देखना है कि मैंने सिंपल एंड क्लियर लुक कैसे किया है, सो आप पूरा वीडियो को एंड तक देखेंगे. अगर गाइस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें. घंटी जो बनी है उसे प्रेस जरूर करिएगा ताकि जो मैंने अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले. एक्चुअली गाइस थोड़ा सा मैं बिजी चल रही थी एंड तबीयत थोड़ी डाउन थी, सो मैंने मेकअप लुक नहीं किया है. बस आज आप लोगों के लिए ही मैंने ये लुक किया है क्योंकि बिकॉज बहुत सब्सक्राइबर मुझे बोल रहे हैं कि मैम ये वाला लुक क्रिएट कीजिए, वाला लुक क्रिएट कीजिए. सो सबके जो भी कमेंट है मैं उसको जरूर लाऊंगी. आप डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, बहुत ही जल्द नया वीडियो भी आएगा और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस भी आने वाले हैं. सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड ये वाला लुक देखने के लिए प्लीज़ जल्दी से आगे जाइए और चेकआउट कीजिए. और मेरे इस लुक को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा गाइस. सो गाइस मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जोविस का रोज टोनर यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है. आप चाहें तो गुड वाइब्स के भी टोनर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं गाइस वो भी. कभी भी मेकअप करने से पहले आपको टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो फेस का पीएच लेवल है वो हमेशा मेंटेन रहता है. सो आप टोनिंग ज़रूर करें. नेक्स्ट मैं यहाँ पे एले गर्ल का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत ही स्मूथ फिनिश देता है और ये जो प्राइमर है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. सो अगर आप कोई अच्छा ब्रांड का प्राइमर लेने की सोच रहे हैं तो आप एले गर्ल का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. ये आपको नायका पे अवेलेबल मिल जाएगा एंड अमेजन पे भी ये अवेलेबल है, सो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड है 310. सो गाइज अगर आप चाह रहे हैं कि आपका दिन का लुक है या कुछ भी है तो आप सोचेंगे कि थोड़ा नॉर्मल ही देखिए, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइटनिंग की जरूरत नहीं है. आपकी जो फाउंडेशन का शेड है गाइज वो हमेशा अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही रखिएगा ताकि जो आपका फाउंडेशन है वो अच्छे से आपके फेस में मिक्स हो जाए. सो यहाँ पे मैं फ्लैट ब्रश की सहायता से फाउंडेशन को अपने पूरे ऑल ओवर फेस पे अच्छे से लगा रही हूँ. आप चाहें तो फिंगर टिप्स की सहायता से भी फाउंडेशन को लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास ब्रश खोलने की नीड है. ये जो ब्रश है गाइज ये प्लम का है जिसका नंबर है P11. अगर आप चाहें तो प्लम के डायरेक्ट साइट से आप इसे परचेस कर सकते हैं. नेक्स्ट मैं यहाँ पे फाउंडेशन ब्रश की सहायता से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. आपको ब्लेंडिंग प्रॉपर करनी है गाइज क्योंकि अगर आपका डे लुक है, अगर आपका मेकअप कहीं पर भी सेट ना हुआ हो, ब्लेंड ना हुआ हो, तो ऑलरेडी वो उभर के आ जाएगा, दिखेगा सभी को कि आपने अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं की है. सो प्रॉपर तरीके से आप ब्लेंडिंग जरूर करिएगा. आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से भी ब्लेंड कर सकते हैं. अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है गाइस, आप अपनी फिंगर टिप्स की सहायता से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, बट ब्लेंडिंग प्रॉपर रहे, आप इस चीज़ का ध्यान रखें. एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे नायका का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है. मैंने इस बार कोई भी लूज पाउडर यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको डीवी सा लुक कुछ करना है तो उसके लिए आपको एकदम लूज पाउडर की नीड पड़े. सो आप कोई सा भी कॉम्पैक्ट आपके पास जो भी होगा अवेलेबल होगा घर पे, आप उससे भी अपने मेकअप को सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो डिफाइनर पैलेट लिया है गाइज. ये बहुत ही अच्छा आईब्रो डिफाइनर पैलेट है और इसमें ना सारी चीज़ें आपको मिलती है. सो मैं यहाँ पे ना ब्राउन शेड पिक करके अपने आईब्रो को डिफाइन कर रही हूँ. एक्चुअली यहाँ पे मेरी आईब्रो बनी नहीं थी, सो मेरी थोड़ी सी आईब्रो अजीब दिख रही होगी, सो आप इसको इग्नोर करना. सो मैंने सोचा कि इसे अच्छे से फिल कर लेती हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि मेरी आईब्रो बनी नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे ना, स्पूली की सहायता से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. आपको ब्रश के जस्ट बाजू में ही दिया रहता है स्पूली, आपको कहीं से एक्स्ट्रा स्पूली लेने की जरूरत नहीं है. उसे आप अच्छे से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो भी है उसे निकाल के अपने आईब्रो को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे शुगर का पीच शेड का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ एंड जो ब्रश मैंने यूज़ किया गाइस ये है प्लम का P01. गाइस ये वाला वीडियो लाने का मेरा यही एम था कि आप लोग जो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता, वो अगर कहीं जा रहे हैं तो किसी के यहाँ फंक्शन में जा रहे हो, हर टाइम आप क्या होता है ना एकदम बहुत सारा मेकअप करके तो आप जा नहीं सकते. सो अगर आपको चाहिए कि डिवी सा लुक दिखे, हमारा मेकअप लगे कि थोड़ा सा हमने कुछ मेकअप किया है और अच्छा फेस दिखे, सो आप ये वाला लुक जरूर ट्राई करिएगा. बहुत ईजी है, इसमें मैंने कुछ भी आई शेडो या कुछ भी यूज़ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल वे में मैं रेडी हुई हूँ. आप चाहें तो कहीं शॉपिंग भी जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो आप ये वाला लुक जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है. एंड गाइज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा. सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे नायका का कर्ल पावर मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा मस्कारा है गाइस. आप मतलब वॉश भी करेंगे तो इजी वे में अच्छे से निकल जाता है, कहीं भी आपकी लैसेस हार्म नहीं होती. सो आप ये वाला मस्कारा जरूर नायका से परचेस कर सकते हैं.
बहुत ही छोटा सा मिनी ट्यूटोरियल है गाइज। आई जस्ट होप आप लोग को ये वाला मेकअप लुक पसंद आ रहा हो, आप बहुत सारे चीज़ें सीख रहे हो मेरे मेकअप से। बहुत ही बेसिक सी मेकअप है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एडवांस मैंने यहाँ पे नहीं किया है, ताकि आप जो बिगनर्स हैं वो ना सीख पाए। कई बिगनर्स मुझे मैसेज करते हैं कि मैम इस टाइप का लुक चाहिए, सो मैंने कुछ उसी ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी वे में ये वाला लुक लेके आई हूँ। आई जस्ट होप आप लोग को पसंद आए। सो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सो नेक्स्ट मैं आप इस स्विस ब्यूटी का लिप पैलेट यूज़ कर रही हूँ गाइज। ये जो लिप पैलेट है ना, इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे शेड है, मतलब आप ना दिल खुश हो जाएगा। अगर आपके पास ये वाला पैलेट नहीं है तो आप नायका से जरूर परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ही पीच शेड सा लाइट शेड सा पिक किया हुआ है। अगर आपको डार्क लगाना पसंद है, जैसा भी लगाना पसंद है, सारी लिप कलर की जो पैलेट शेड है वो इसमें अवेलेबल है, सो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेकअप रिवॉल्यूशन का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है गाइज। अगर आप ये वाले लेने की भी सोच रहे हैं तो आप मिंत्रा, नायका कहीं से भी इससे परचेस कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है गाइज। मतलब ये आपके फेस को ना थोड़ा ड्राई सा खींचे सा नहीं करता। सो गाइज हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है, हेयर इज द फाइनल लुक। आई जस्ट होप गाइज आप लोग को ये वाला लुक पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि न्यू अपडेट जल्द से जल्द आपको मिल जाए। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल आने वाला है, सो प्लीज़ इस वीडियो का वेट करिएगा। और बाय बाय गाइज, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।